ये देखिए चिकन बिरयानी कितना सॉफ्ट बना है और ये बिल्कुल ही नए तरीके से बना है। इसे बनाना तो बनता है। यहाँ पर चिकन लिए हैं 500 ग्राम, इसे अच्छी तरह धो लिए हैं। बासमती चावल 500 ग्राम, मीडियम साइज प्याज 6 से 7, इसे छीलकर इस तरह काट लिए हैं। सबसे पहले चिकन में सभी मसाला मिलाकर तैयार कर लेंगे। चिकन को एक बड़े कढ़ाई में रख लिए हैं। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, तीखी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, नमक 1 चम्मच या फिर अपना स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, 2 तेज पत्ता, यहाँ पर कुछ लौंग, काली मिर्च, दालचीनी लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे सरसों तेल 1 चम्मच। अब सभी को हाथ से अच्छी तरह मिला लेंगे। सभी मसाला को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब तेल को गरम कर लेंगे। यहाँ पर एक छोटा कटोरा सरसों तेल को गरम कर लिए हैं, तो सबसे पहले आधा प्याज को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को तेज रखेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। प्याज को निकाल लिए हैं। अब इस बचे हुए तेल में 2 तेज पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच। सभी का हल्का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें बाकी बचा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को कुछ सेकंड भून लिए हैं। अब इसमें चिकन डालकर भूनेंगे। सभी को अच्छी तरह मिला दिए हैं। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढककर 15 मिनट पकाएंगे। जब तक चिकन रेस्ट कर रहा है, तब तक बासमती चावल को हाफ बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर पानी को गरम कर लिए हैं और इसमें उबाल आने लगा है। बासमती चावल को 2 पानी से धो लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे। अब इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह चला देंगे। फ्लेम को तेज कर देंगे और चावल को आधा ही पकाएंगे। चावल आधा पक चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1/2 चम्मच। सभी को अच्छी तरह मिला दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। फ्लेम को तेज कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट पकाएंगे।
5 मिनट हो चुका है, अब इसे अच्छी तरह चला देंगे। अब इसके ऊपर से एक लेयर चावल को फैला देंगे। अब इसके ऊपर से प्याज जो फ्राई करके रखे थे वो अब इसमें आधा डाल देंगे, बाकी रख लेंगे। देसी घी 1 चम्मच, थोड़ी सी दालचीनी, कुछ लौंग, कुछ इलायची, कुछ काजू, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती। अब इसके ऊपर से फिर से एक लेयर चावल को फैला देंगे। अब इसके ऊपर से सभी प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी लौंग, इलायची, कुछ दालचीनी, कुछ हरी धनिया पत्ती, थोड़ा सा काजू। अब इसे ढककर 5 मिनट पकाएंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। चिकन बिरयानी तैयार हो चुका है, अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये चिकन बिरयानी पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।